जय हिंद, नमस्कार, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जाम्पल। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट आफ्टरनून सेशन में, जहां मैं चंदन रोशन एक बार फिर आप लोगों के साथ स्टैटिक जीके के इस इम्पोर्टेंट पोर्शन को लेकर के अवेलेबल हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्विकली कनेक्ट विथ मी। सभी लोग फटाफट आज के सेशन को ज्वाइन करें एंड इफ पॉसिबल प्लीज शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स। सभी लोग अपने अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, प्रमोट कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस स्टैटिक जीके के पोर्शन को एंजॉय कर सकें। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार अपने अपने हैंडल से इसको शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे इसमें आ सके। तेजू सोलंकी जी, जय हिंद एंड वेलकम टू द क्लास। ईति शर्मा, जय हिंद एंड वेलकम टू द सेशन। कामनी, हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। मोस्ट वेलकम टू द सेशन, मोस्ट वेलकम टू द क्लास। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? प्लीज डू टेल मी। सो हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आर यू ऑल एंजॉयिंग द सेशन, स्पेशली द करंट अफेयर्स इन स्टैटिक जीके? प्लीज मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको करंट अफेयर्स सुबह का, और स्टैटिक जीके के पोर्शंस में कैसा फील कर रहा है, हो रहा है आप लोगों को। पूजा जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। और जो बच्चे सुबह के सेशन में नहीं आते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज करंट अफेयर के सेशन को ज्वाइन किया कीजिए। जो लोग नहीं आ पाते हैं, प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए सुबह में आकर के उस सेशन को अटेंड करने की, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही डिफरेंट तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को। चलिए, सबसे पहले जो FCAT 2021 है, इसके लिए 30 डे का फ्री क्रैश कोर्स हम लोग ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जामपुर के YT चैनल पे लेकर के आए हैं। इसमें सुबह 8 बजे मेरे साथ आप करंट अफेयर्स का एंजॉय कर सकते हो, सुबह 9 बजे डेली वोकैबुलरी नितिन मिश्रा सर, 12 PM इंग्लिश नितिन मिश्रा सर, 1 PM GKGS ये सेशन मैं लेता हूँ, शाम 5 बजे रीजनिंग एबिलिटी विद सोनल मैम, और शाम 6 बजे मैथमेटिक्स विद द दीपेंद्र सिंह सर। तो ये पर्टिकुलर वो सभी इंपॉर्टेंट सेशन है डेली बेसिस पे, जो FCAT 2021 के प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए लाया गया है। लेफ्टिनेंट अभिषेक परिहार जी, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन बेटा, वेलकम टू द क्लास। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है आज का, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिनेमा थ्रू रस, और रास, सिनेमा थ्रू रास, अ ट्विस्ट विद मास्टरपीसेस इन द लाइट ऑफ रास सिद्धांत। देखिए ना, इस पर्टिकुलर बुक के ऑथर कौन है? शशि थरूर, प्रचंड प्रवीर, अनीता देसाई, या फिर अरविंद अडिगा? प्लीज गो फॉर द आंसर। सिखा जी, मोस्ट वेलकम टू द क्लास। विकास यादव जी, वेरी गुड नोन, वेलकम टू द सेशन। तो सिनेमा थ्रू बोलते हैं रास लीला, सिनेमा थ्रू रास, अ ट्विस्ट विद मास्टर पीसेज इन द लाइट ऑफ रस सिद्धांत, इसके ऑथर कौन है ये पूछा गया आपसे। बता दूं मैं आपको, ये जो बुक है इसको लिखा है प्रचंड प्रवीर ने। अनीता देसाई की एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। और अरविंद अडिगा जाने जाते हैं किस चीज के लिए, तो आप बताओगे द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर के लिए। इसको आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? विकास, क्या क्लियर नहीं है बेटा, बताओ। तो ये जो पुस्तक है सिनेमा थ्रू रास, A Twist with the Masterpieces in the Light of Ras Siddhant, इसको लिखा है प्रचंड प्रवीण ने, ठीक है ना? तो ये जो Twist with Masterpiece in the Light of Ras Siddhant है, ठीक है ना? इसके अंदर कोशिश की गई है कि थिएटर और फिल्म, इन दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया जा सके, और थिएटर और फिल्म्स की क्या भूमिका है एक सोशल लाइफ में, उसको बेसिकली पेन डाउन करने की बात की गई है। आई बात समझ में? इसको आपको ध्यान रखना है। इस बुक के अंदर मेंशन किया गया है कि ड्रामा ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, गिव्स देम द करेज, एंटरटेन देम एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस इनटू देयर लाइव्स एंड आल्सो काउंसल्स देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। मतलब इस पर्टिकुलर बुक में कहा गया है प्रचंड प्रवीर के द्वारा कि जो ड्रामा का विमोचन किया जाता है वो लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करती है, लोगों में साहस देती है, लोगों का एंटरटेनमेंट करती है, लोगों के जीवन में खुशियां लाती है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ड्रामा है जो कि सोशल मैसेजेस को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। द वाइस प्रेसिडेंट हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक दैट इज नीली मारनी माय ब्रदर माय मदर माय हीरो, हु इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। अभी हाल ही में जो भारत के उपराष्ट्रपति, उन्होंने एक
पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है नीली मारनी माई मदर माई हीरो, और इस पर्टिकुलर बुक के ऑथर कौन है? अच्युत समानता, इति समानता, जगी मगनत मंगत पांडा या सुब्रतो बागची, ये पूछा गया है। बिल्कुल, ये सभी डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, सभी डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने, प्रिंसेस आपका भी आंसर बिल्कुल सही है बेटा, डॉक्टर अच्युत समानता, ठीक है ना। ये ऑथर है किस बुक के? तो नीली मारनी माई मदर माई हीरो, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है कि डॉक्टर अच्युत समानता जिन्होंने इस बुक को ऑथर किया है उनकी मदर है नीली मारनी, ठीक है ना, जो कि एक साधारण सी ह्यूमन बीइंग थी जिनके कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ड्रीम्स थे कि वो सोसाइटी को हेल्प करना चाहती थी, और उनकी जो ये आइडियोलॉजी है उन्होंने डॉक्टर अच्युत समानता के जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, ठीक है ना। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ संघर्ष में बिताई थी, और नीली मारनी जो है उन्होंने अपने एक रिमोट विलेज को जहाँ पे वो रहती थी मानापुर, उसको एक स्मार्ट पंचायत में डेवलप किया था ताकि वो सोसाइटी के लिए कुछ मैसेज छोड़ सकें, सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि अंदर से आपकी जो भी इच्छा है किसी के लिए करने के लिए, समाज से करने के लिए, तो वो बिल्कुल कारगर हो सकती है, बशर्ते हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आई बात समझ में? द बुक अख्तरी, कौन सी बुक है? अख्तरी, द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर हैज बीन पब्लिश टू ट्रिब्यूट द लेजेंडरी सिंगर विच सिंगिंग कम्युनिटी डट सी बिलोंग टू। ये जो अख्तरी नामक पुस्तक है ये डेडिकेट किया गया है जीवन और संगीत के उन पलों को जिसको बेगम अख्तर ने जिया, ठीक है ना, और इसको जो पब्लिश किया गया है, ठीक है ना, वो इनकी याद में। अब सवाल ये है कि जो बेगम अख्तर है वो इनमें से किस घराने से बिलोंग करती थी, किस संगिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती थी? डेरा वाली, लखनवी, तवाइफ या फिर ननौबदीस, ये पूछा गया है। जो बुक अख्तरी है जो कि बेस्ड है लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर के ऊपर, ठीक है ना, जिसको प्रकाशित किया गया है एक श्रद्धांजलि देने के लिए बेगम अख्तर गायिका को, तो ये पूछा गया है कि बेगम अख्तर जो है इनमें से किस सिंगिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, ठीक है ना, तो आप क्या बताओगे? इट्स द तवाइफ। वेरी गुड पूजा, आप बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और महेंद्र कुमार आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, अभिषेक परिहार जी आपके भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो बच्चे लाइव है बेटा एक बार प्लीज सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है ना। उदयन मित्रा जो पब्लिशर हैं हार्पर कोलिंस इंडिया में, उन्होंने पब्लिश किया एक बुक अख्तरी को जो कि एक अल्टीमेट ट्रिब्यूट है बेगम अख्तर को, जिसमें छोटे छोटे कहानियां को लिखा गया है, कहानियों को दर्शाया गया है बेगम अख्तर के ऊपर, जो कि जानी जाती हैं किस चीज के लिए, अपने सिंगिंग लेजेंड के रूप में, ठीक है ना। अख्तर बाई फैजाबादी और बेगम अख्तर, यानी कि जो बेगम अख्तर है इनका जो फुल नेम था, जो रियल नेम था, वो था अख्तरी बाई फैजाबादी, जिनको हम बेगम अख्तर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये एक लेजेंड थी जिन्होंने अपने पूरे जीवन में, ठीक है ना, अपने अंतिम समय तक पूरे तरीके डेडिकेट किया सिंगिंग को, और ये तवायफ कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, इसको आपको ध्यान रखना है। इस बुक के अंदर एक लॉन्ग कन्वर्सेशन जो है उसको भी मेंशन किया गया, जो कि आचार्य कैलाश चंद्रदेव बृहस्पति और बेगम अख्तर के बीच में एक इंटरव्यू के दौरान रखा गया था, इसको ध्यान रखना है। हु हैज ऑथर्ड द बुक उड़ीसा इतिहास, उड़ीसा इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ दास, नंदिनी सतपति, बीरेन मित्रा या फिर हरे कृष्ण मेहता, ये पूछा गया है। हु हैज ऑथर्ड द बुक उड़ीसा इतिहास? वेरी गुड आफ्टरनून तानी, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। इसमें से किन्होंने लिखा है पुस्तक उड़ीसा इतिहास को? विश्वनाथ दास ने, नंदिनी सतपति ने, बीरेन मित्रा ने या फिर हरे कृष्ण मेहताब ने, ये पूछा गया है आपसे। उड़ीसा इतिहास किसके द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक है? तो बता दो, इस बुक को लिखा है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उड़ीसा के, जिनका नाम क्या है? हरे कृष्ण मेहताब जी, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच वन यू विल से उड़ीसा, आपको ध्यान रखना है कि जो हरे कृष्ण मेहताब हैं या डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब जो है एक नोटेबल फिगर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। इन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में सर्व किया है उड़ीसा को 1946 से 50 के बीच में, और 56 से लेकर के 61 के रूप में के बीच में इन्होंने उड़ीसा इतिहास नामक की पुस्तक की रचना की है, जब ये अहमदनगर किले में, अहमदनगर फोर्ट जेल जो है उसमें ये कैद थे, ठीक है ना, जब इनको 2 साल के लिए इम्प्रिजन किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इनका इनको एक और नाम से भी, टाइटल से भी नवाजा गया था साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के फील्ड में, कि जो डॉक्टर
हरे कृष्ण मेहताब हैं, इनको उत्कल केशरी के नाम से भी जाना जाता है. ही इज ऑल्सो नोन एज उत्कल केशरी. हु हैज पेंड द बुक इंडियाज पावर, इंडियाज पावर इलीट, क्लास कास्ट एंड अ कल्चरल रिवोल्यूशन. ये पूछा गया है इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है पुस्तक, ठीक है ना, इंडियाज पावर इलीट, क्लास कास्ट एंड अ कल्चरल रिवोल्यूशन. अरविंद अडिगा, संजय बारू, चित्र बैनर्जी दिवकरुणी या बोथ ए एंड बी. हु हैज ऑथर्ड योर पेंड द बुक इंडियाज पावर इलीट, क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवोल्यूशन. प्लीज गो फॉर द आंसर. सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करें. वी आर ऑन द फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप क्या बताओगे? संजय बारू, जो कि मीडिया एडवाइजर थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और इन्होंने 2014 में जो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुआ नरेंद्र मोदी का, जिस हिसाब से बीजेपी ने 30 साल पुरानी जो कोएलिशन पॉलिटिक्स थी उसको खत्म करके एक अपने मैंडेट को स्थापित किया, उसके ऊपर ये पूरा बुक बेस्ड है, ठीक है ना. संजय बारू ने कैप्चर किया है उस चर्न अराउंड को जो कि 2014 के जनरल इलेक्शंस में हुई आई है, जिसने बीजेपी को एक बहुत ही ज्यादा आप कहते हो उभरते हुए पार्टी के रूप में देखा, जिसका सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट रहा इंडिया के लोगों पे, ठीक है ना. जिस प्रकार से पीएम मोदी नेशनल एरिना में उन्होंने अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश किया, जिस हिसाब से मोदी और बीजेपी का डोमिनेंस रहा पॉलिटिकल इलेक्शंस में, ठीक है ना, नेशनल और असेंबली इलेक्शंस के अंदर. और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2014 में जो बीजेपी का राइज था सेंट्रल लेवल पे, इसने कहीं ना कहीं लास्ट 30 इयर्स के जो कॉलिशन पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरीके से क्या किया, नकार दिया था. यानी कि 2014 से पहले जो पूरे 30 इयर्स का डेमोक्रेटिक पीरियड था उसमें कहीं ना कहीं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नमेंट फॉर्म की थी उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे दलों का समर्थन लेकर के सरकारें बनाई गई, कोएलिशन पॉलिटिक्स था. तो उस कोएलिशन पॉलिटिक्स के स्ट्रीक को तोड़ा है किसने, बीजेपी ने 2014 के जनरल इलेक्शंस में अपने मैंडेट को प्राप्त करके. तो उसके ऊपर संजय बारू ने ये बुक लिखी थी. एन इंडियन क्रिकेटर हैज रिटन हिज मेमोआ बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी एंड हु इज दैट क्रिकेटर. ये पूछा गया है कि ये जो मेमोआ है, ये जो आत्मकथा है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, विराट कोहली की, महेंद्र सिंह धोनी की, सुरेश रैना की या फिर रोहित शर्मा की. हिज द मेमोआ बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, मेमोआ बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी. बुक का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी. इट इज ऑथर्ड बाय विच वन, यू कैन से सुरेश रैना. सुरेश रैना ने इस बुक को लिखा है और इस बुक में सुरेश रैना ने जो टफ चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ा एज अ यंग क्रिकेटर उसका उसको बयां किया है, ठीक है ना. ही वॉज बुलीड इन द स्कूल एंड एट क्रिकेट कैंप्स बट ही ऑलवेज पंच्ड अबव हिज वेट, ओवरकमिंग एवरी एडवर्सिटी द लाइफ थ्रू एट हिम एंड नेवर गिव अप. यानी कि इन्होंने इसके अंदर अपने उस पूरे जर्नी को डिस्क्राइब किया है जो एज अ यंग क्रिकेटर उनको फेस करना पड़ा अपने स्कूल टाइम में, क्रिकेट कैंप्स में. लेकिन इन सभी पंचेस को, इन सभी क्रिटिसिज्म को उन्होंने दरकिनार करते हुए अपने लाइफ को एक्सेल किया, लाइफ को आगे लेकर के गए और एज अ गुड क्रिकेटर उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया इंटरनेशनल एरिना में. एंड ही हैज रियली प्लेड गुड नॉक्स फॉर इंडिया एज वेल इन वेरियस मैचेस अनडाउटेडली. जेके रॉलिंग, कौन नहीं जानता इस लेखिका को, हैज रिसेंटली रिटन अ बुक द क्रिसमस पिग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय द क्रिटिकली अक्लेम्ड राइटर. यानी कि ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें से वो कौन सी बुक है जो कि नहीं लिखी गई है जेके रॉलिंग के द्वारा. जो हैरी पॉटर सीरीज है उसके लिए जेके रॉलिंग जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, और ये पहली ऐसी ऑथर है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि मानी जाती है कि बिलियनेयर थी, जो कि अरबपति लेखिका थी, जिनके पास इतना पैसा आया, इतने शोहरत आए, ठीक है ना. तभी कहा जाता है कि हमें अपने गुड वर्क को हमेशा कॉन्टिन्यू करना चाहिए. यू नेवर नो वेन द डेस्टिनी इज गोइंग टू कैच योर फिंगर, कैच योर हैंड एंड पुल योर हैंड, ठीक है ना. तो डेस्टिनी है, बट डेस्टिनी उसी को हेल्प करती है जो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है ना. नो ड्रीम कम्स अप ट्रू अंटिल वी वेक अप एंड गो टू वर्क. तो आपको कौन सी बुक नहीं लिखी गई है, तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड. ये जो बुक है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है ना, इसको नहीं लिखा गया है किसके द्वारा, तो आप बताओगे जेके रॉलिंग के द्वारा. इसको ध्यान रखना है. जेके रॉलिंग इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द हैरी पॉटर फैंटेसी सीरीज, ठीक है ना, विच हैज ओन मल्टीपल अवार्ड्स एंड सोल्ड मोर देन 500 मिलियन कॉपीज. यानी कि जो हैरी पॉटर सीरीज है जेके रॉलिंग की, इसकी लगभग 500 मिलियन कॉपीज जो है वो सेल आउट की गई थी, ठीक है ना. आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड की पहली बिलियनेयर ऑथर है बाई फोर्ब्स. तो फोर्ब्स के लिस्ट में आपको ध्यान रखना है
बिल्कुल सही कहा कि जो सेकेंड वो हार्पर ली ने लिखा है, बिल्कुल सही है तानी, इसको लिखा है हार्पर ली ने, बिल्कुल सही है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस, ये पूछा गया है कि इनमें से किसने लिखा है इस पुस्तक को वॉन्डरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस। पैगी मोहन ने, रोहिंटन मिस्त्री ने, फ्रेनी इलेविया ने या सलमन रस्ती ने, ये पूछा गया। हु हैज ऑथर्ड द बुक दैट इज वेंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस। प्लीज गो फॉर द आंसर ऑल ऑफ यू, सभी लोग क्विकली इस क्वेश्चन को आंसर करें जितने लोग लाइव हैं। वॉन्डरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस, इसको लिखा है किसने तो आप बताओगे, पेगी मोहन ने। किसने? पेगी मोहन ने। नोटेड लिंग्विस्ट, ये एक बहुत बड़े आप कह सकते हो भाषाविद हैं, लिंग्विस्टिक हैं पेगी मोहन, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। दिस बुक्स डिलीवर्स इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया रिवील्स हाउ माइग्रेशन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनेशनल हैज शेप्ड बोथ इंडियंस एंड इंडियन लैंग्वेज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। यानी कि इस पर्टिकुलर बुक में जो पेगी मोहन ने दिखाया है कि कैसे इंडिया से बाहर जो लोग गए और बाहर से जो इंडिया में लोग आए, उनके आने जाने से, उनके माइग्रेशन से किस प्रकार से इंडिया की जो भाषा है, इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, वो सेपअप हुई है राइट फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स टू द मॉडर्न टाइम्स। इसको आप ध्यान, तो ये एक तरीके से ये इंटरव्यू है, या हम कह सकते हैं एक तरीके से ये इंट्रोस्पेक्शन है भारत के हिस्ट्री में कि हाउ द माइग्रेशन हैज हेल्प इन टू द शेपिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इसको आपको ध्यान रखना है। वॉट इज द सेंट्रिक थीम ऑफ द रिसेंटली पेंड बुक द लिविंग माउंटेन ऑफ अमिताभ घोष? अमिताभ घोष ने एक पुस्तक लिखी है द लिविंग माउंटेन, ये पूछा गया है कि जो लिविंग माउंटेन बुक लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा, ये इनमें से किस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द है? ये उनकी आत्मकथा है, बायोग्राफी है, ये पुस्तक है वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के ऊपर। दिस इज द बुक ओवर द एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन, पर्यावरण एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर है, या फिर गॉथिक? कौन सा टॉपिक है या किस सब्जेक्ट के ऊपर द लिविंग माउंटेन ऑफ अमिताभ घोष को लिखा गया है, या कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, किस विषय के ऊपर ये पुस्तक पूरी तरीके से बेस्ड है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द सेंट्रिक थीम ऑफ द रिसेंटली पेंड बुक द लिविंग माउंटेन ऑफ अमिताभ घोष, तो आप क्या बताओगे? इट्स द एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल सही है, एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन। आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता एंड द बेस्ट सेलिंग ऑथर अमिताभ घोष ने लिखा है बुक द लिविंग माउंटेन इस पेंडेमिक यानी कि COVID-19 के टाइम पीरियड में, ठीक है ना। ये एक स्टोरी है अबाउट हाउ ओवर द इयर्स ह्यूमंस एक्सप्लॉयटेड नेचर व्हिच इज लीडिंग टू एन एनवायरमेंटल क्राइसिस। मतलब इस पेंडेमिक के समय में जब छुट्टियों में थे हमारे अमिताभ घोष साहब, तो उन्होंने अपने इस लीजर पीरियड में इस बुक को लिखा है लिविंग माउंटेन को, जो डिस्क्राइब करती है कि कैसे सदियों से मानवों ने, ह्यूमंस ने हमारे नेचर को एक्सप्लॉयट किया है, जिस कारण से पूरे वर्ल्ड में एक एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है वो क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये स्टोरी है किस चीज की? महापर्वत की, द लिविंग माउंटेन एंड इंडिजिनस वैली ड्वेलर्स हु लिव नियर द माउंटेन। और इस पर्टिकुलर बुक में बेसिकली नरेट किया गया है उन लोगों की कहानियों को जो लोग माउंटेन्स के आसपास में रहते हैं, जो घाटियों में रहते हैं, ठीक है ना। और जिस हिसाब से इन लोगों के रहने के कारण जो इन्होंने हमारे एनवायरनमेंट को इंक्रोच किया है, और जिस हिसाब से नेचर ने हम पे रिटेलिएट किया है, जैसे देखो आप उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है ना, बराबर। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो जगह घूमने के लिए है उसको लोगों ने रहने के लिए बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज देखने के लिए है उसके अंदर आप उसको एक्सप्लॉइट अगर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका बैड इंपैक्ट तो होगा ही होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किसकी बुक है? थॉमस सी कैट्सोलियस की, रॉबर्ट एने की, अनिंद्या दत्ता की, या सुनी तारापुर वाला की? ये क्वेश्चन पूछा गया। अंजलि डागर जी नमस्कार एंड वेलकम टू द क्लास। एडवांटेज इंडिया ये जो बुक है जिसमें जिसका टैगलाइन है द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इस पर्टिकुलर बुक को किसने ऑथर किया है, किसने लिखा है? थॉमस सी कैट्सोलियस ने, रॉबर्ट एने ने, अनिंद्या दत्ता ने, या सुनी तारापुर वाला ने? ये पूछा गया है। ऑथर ऑफ द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किसने लिखी है इस पुस्तक को, ये पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे? अनिंद्या दत्ता ने, बिल्कुल सही कहा आपने प्रिंस, अनिंद्या दत्ता इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये जो बुक है इट प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस
बोथ मेन एंड वेमेन साइड, जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को मेन और वेमेन साइड दोनों में, उसके ऊपर ये पूरी तरीके से उसका इतिहास है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो बुक है इसको अनिंत्या दत्ता ने रिसर्च करके लिखा है उन आर्काइव से, उन ऐतिहासिक पलों से जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास थी, ब्रिटिश न्यूज़पेपर के पास थी, फ्रॉम द पास्ट 200 इयर्स, पिछले 200 सालों में जो मेन और वेमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडियन टेनिस में, उसके ऊपर इस पर्टिकुलर बुक को क्या किया गया है, पेन डाउन किया गया है। इसमें प्री इंडिपेंडेंट, आजादी से पहले जो टेनिस प्लेयर्स थे इंडिया के, मोहम्मद सलीम, फाइजी ब्रदर्स, एस एम जैकॉब, गौस मोहम्मद, और टेनिस आइकॉन्स लाइक दिलीप बोस, सुमंत मिश्रा, नरेश कुमार, रमांथन कृष्णन, इन सब के जीवनी पे कहीं ना कहीं इस बुक को फीचर किया गया है। और इस बुक में रोहन बोपन्ना और साइना मिर्जा, ठीक है ना, इन्होंने किस तरीके से इंडियन टेनिस को ट्रांसफॉर्म किया है उसके बारे में भी इसके इतिहास को टच किया गया है। सो वी कैन सिंपली से कि दिस बुक इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन टेनिस एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन एंड वेमेन इन शेपिंग द इंडियन टेनिस फ्रॉम द हिस्टोरिकल एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रियम्फ इज रिटन बाय अनंत विजय। ये जो बुक है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रियम्फ इज रिटन बाय अनंत विजय। स्मृति ईरानी इज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है ना, ये पूछा गया है। ये सभी में देव जॉय, ये सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है सेशन, आप बिल्कुल इस बात के लिए निश्चिंत रहे। तो ये जो डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रियम्फ है, इसको लिखा गया है अनंत विजय के द्वारा, और स्मृति ईरानी जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कहां से, तो आप बताओगे अमेठी से। ये कहां से जीतती हैं, तो आप क्या बताओगे अमेठी, इसको ध्यान रखना है। सी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अमेठी, उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, ये सब आपको पता है, ठीक है ना। विच इंडियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द बुक द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड, इसमें से किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा या किस भारतीय मंत्री के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। इज इट बाय पीयूष गोयल, इज इट बाय स्मृति ईरानी, इज इट बाय रमेश पोखरियाल, और इज इट बाय प्रकाश जावड़ेकर। द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड, प्लीज गो फॉर द आंसर। हां जी बच्चों, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड, इसको किसने, प्रकाश जावड़ेकर, जो हमारे फॉर्मर एनवायरमेंट मिनिस्टर, जो हमारे पूर्व पर्यावरण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। द फॉर्मर एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज लॉन्च अ ई बुक ऑन द वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे जो महिला वन अधिकारी हैं, जो वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, पुस्तक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, तो आप क्या बताओगे, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया। इट्स अ बुक ऑन द वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स and this has been launched on the occasion of International Women's Day by former Environment Minister Sri Prakash Javedkar. Isko aapko dhyan rakhna hai. Iske andar jo performances hain women forest officers ki, the performances of the women officers is exemplary as they face tough challenges in proving themselves through the physically demanding and male dominated arena in the forest services. To Bharatiya Van Seva mein jahan pe mahilaon ko ek chunauti पूर्ण तरीके से काम करना पड़ता है, एक ऐसे सोसाइटी के अंदर जहां पे मेल का डोमिनेंस है, तो उसमें इनके जो कंट्रीब्यूशन है एज अ फॉरेस्ट सर्विसेज के रूप में, उसको दिखाने की कोशिश की गई है द ग्रीन क्वींस ऑफ बुक में, इसको ध्यान रखना है। हु हैज स्पेंड द बुक बांज इन कंप्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वेमेन, ये जो बुक है बांज, बांज को इंग्लिश में कहते हैं इनफर्टिलिटी, इन कंप्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वेमेन, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, गुनगुन उपरी के द्वारा, सुष्मिता मुखर्जी के द्वारा, अदिति शर्मा के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं, ठीक है ना। हु हैज स्पेंड द बुक बांज दैट इज इन कंप्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, इन कंप्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, इसको इनमें से किसके द्वारा पेन डाउन किया गया है, इज इट बाय गुनगुन उपरी, इज इट बाय सुष्मिता मुखर्जी, इज इट बाय अदिति शर्मा, और इज इट बाय नन ऑफ दीज, प्लीज गो फॉर द आंसर। बांज इन कंप्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वेमेन, इसको किसके द्वारा लिखा गया था, बताओगे सुष्मिता मुखर्जी के द्वारा। दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ 11 शॉर्ट स्टोरीज, 11 लघु कथाओं का यह क्या है, संग्रह है, देखना
ओवर 3 decades, पिछले 30 सालों में ये कलेक्शन है 11 शॉर्ट स्टोरीज का बांच, ठीक है ना। एज द टाइटल सजेस्ट, ईच स्टोरी टेक्स यू इनटू द वर्ल्ड ऑफ वुमेन फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ, बी इट वुमेन लिविंग ऑन द सोसाइटीज फ्रेंजेस और दोज फ्रॉम द हाई एक्लियंस, ईच स्टोरी गिव्स अ यूनिक ग्लिम्स इनटू द लाइव्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स। यानी कि इस टोटल 11 स्टोरीज में, इस बुक के अंदर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आप एक इसमें ऐसे महिलाओं की स्टोरी को रखा गया है समाज में, जो कि ऐसे सोसाइटी से भी आती है जहां पे उनको सुविधाओं का अभाव है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और इसमें ऐसे वुमेन के स्टोरी को भी रखा गया है जो कि इलीट क्लास से बिलोंग करती है, एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती है। तो हर तरह की महिलाओं के स्टोरी को इसमें रखा गया है, ठीक है ना। द बुक इज नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द स्टोरीज इन इट, बांज, विच फॉलोज द लाइफ ऑफ रुक्मिणी देवी हु इज इन एन अब्यूसिव मैरिज विद कुंवर चंद्रभान प्रताप सिंह। इसमें एक स्टोरी है रुक्मिणी देवी की, जो कि एक ऐसे मैरिज लाइफ को जी रही है जो उनके लिए घुटन भरी जिंदगी है, जिसमें उन्होंने शादी कर रखी कुंवर चंद्रभान प्रताप के साथ, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि इस तरह के स्टोरीज को रखा गया है किस बुक में, तो आप बताओगे बांज में। हु हैज रिटन द बुक प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। शोभा थरूर श्रीनिवासन, खुशवंत सिंह, शशि थरूर या फिर रस्किन बॉन्ड। ये जो बुक है प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, इस बुक के लेखक कौन है, इस बुक के ऑथर कौन है, ये पूछा गया है। शोभा थरूर श्रीनिवासन, खुशवंत सिंह, शशि थरूर या फिर रस्किन बॉन्ड। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। हु हैज रिटन द बुक प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। प्लीज गो फॉर द आंसर। प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। तो आप क्या बताओगे? शोभा थरूर श्रीनिवासन। किसने लिखा है? शोभा थरूर श्रीनिवासन ने, ठीक है ना। और राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं किस चीज के लिए? ऑयल पेंटर के रूप में, ठीक है ना। रिटन बाय ऑथर एंड पोएट शोभा थरूर श्रीनिवासन। दिस बुक एम्स टू इंस्पायर यंग रीडर्स टू लर्न अबाउट द फ्रेम्ड आर्टिस्ट एंड हाउ ही मेड हिज एंट्री एंड मार्क इन द आर्ट वर्ल्ड। मतलब ये राजा रवि वर्मा के उन स्टोरीज को दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने आप को ब्रिटिश एरा में पेंटिंग के फील्ड में लाया, जिसको ब्रिटिशर्स थोड़ा भी भाव नहीं देते थे, और कैसे उन्होंने अपने आप को आर्ट वर्ल्ड में स्टैब्लिश किया, ठीक है ना। तो ये कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो कि यंगस्टर्स को बिल्कुल जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकें, सेपअप कर सकें। यदि हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा की, तो इनका जन्म जो है वो April 29, 1848 को हुआ था इन अ विलेज इन केरला। एंड ही वॉज पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ हिज हाउस एंड हिज लव फॉर द पेंटिंग्स फ्रॉन्ट अपॉन बाई हिज एल्डर्स was nurtured by his uncle Raja Raja Verma, who took him to the court of Maharaja of Travancore to study and practice the art. तो महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर के दरबार में उन्होंने पढ़ाई की और इस कला को सीखा और अपने आप को पूरे वर्ल्ड के लेवल पे क्या किया, एस्टैब्लिश किया। राजा रवि वर्मा द फेमस ऑयल पेंटर फ्रॉम केरला। माय लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर इज अ मेमोआर ऑफ विच इमिनेंट इंडियन पर्सनैलिटी। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर इज अ मेमोआर ऑफ विच एमिनेंट इंडियन पर्सनैलिटी। अजय बांगा, चंदा कोचर, इंदिरा नोई और इज इट किरण मजुमदार सौ। किरण मजुमदार सौ इज फ्रॉम द बायोकॉन, इंदिरा नोई इज फ्रॉम द पेप्सिको, चंदा कोचर इज नाउ ऑन द बोर्ड ऑफ परहैप्स एक्सिस बैंक। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई थिंक इट्स एक्सिस बैंक। तो ये जो माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये एक मेमोआर है इनमें से किस प्रसिद्ध भारतीय पर्सनालिटी का? अजय बांगा का, चंदा कोचर का, इंदिरा नुई की या फिर किरण मजुमदार शॉ की? तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर ये किसका मेमोआ है, तो आप बताओगे इट्स ऑफ इंदिरा नुई, हु इज द इंडिया हेड ऑफ पेप्सिको, पेप्सिको सीईओ इंदिरा नुई। इसको ध्यान रखना है। और इसे पब्लिश किया जाएगा September 2021 में by the portfolio books. The recent novel Undertow by Janvi Barua is plotted in which state? ये पूछा गया है कि अभी हाल ही में एक उपन्यास लिखी गई है Undertow by Janvi Barua. It is plotted in which state? Assam, Bengal, Punjab और Kerala. Undertow, ये पूछा गया है आपसे, ये कौन से स्टेट में प्लॉट किया गया है, कि स्टेट की कहानी, स्टोरी पे इसको इर्द गिर्द इसकी कहानी घूम रही है।
तो आप क्या बताओगे? इट्स द असम, ठीक है ना. इट इज अबाउट रिग्रेट एंड रिकॉन्सिलिएशन एंड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कास्ट्स इट्स शैडो ओवर जनरेशंस. मतलब इस अंडरटो नॉवेल में रिग्रेट भी है, रिकॉन्सिलिएशन भी है, कि कैसे कोई विवाद जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो अपना पीछा जो है वो जनरेशन तक नहीं छोड़ती और उसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले जनरेशन पे होता है, ठीक है ना. इट्स अबाउट रिग्रेट एंड रिकॉन्सिलिएशन. लोया, इसमें स्टोरी है एक लोया की, जो एक यंग एलिफेंट कंजर्वेटिस्ट है, वो कम्स टू विजिट हर ग्रैंडफादर इन गुवाहाटी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सी हैज नेवर मेट तोरुन बिफोर बिकॉज हर मदर रुक्मणी वॉज काउस्ट आउट ऑफ देयर फैमिली फॉर मैरिंग हर मलयाली क्लासमेट. रुक्मणी'स मदर हैड फॉरबिडन द मैच बट तोरुन हैड फाउंड मिडिल ग्राउंड. ही हेल्प्ड हिज बिलोवेड डॉटर इलोप एंड देन नेवर स्पोक टू हर अगेन टू अपीज हिज फॉर्मिडेबल वाइफ. ठीक है ना. तो ये बेसिकली कह सकते हो आप कि एक तरीके से कास्ट इंटरकास्ट बेस्ड मैरिज पे, ठीक है ना, इंटरकास्ट बेस्ड मैरिज पे प्लॉट की गई स्टोरी है, ठीक है ना, जिसमें एक एलिफेंट हर्डल्स के ऊपर स्टोरी को क्या किया गया है, आप कह सकते हो दर्शाया गया है. शर्मा जी धन्यवाद. चलिए, द वाइस प्रेसिडेंट लॉन्च द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर. हु हैज रिटन दिस बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर. इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. द क्वेश्चन, द ऑप्शंस आर प्रमोद कुमार मिश्रा, अजय कुमार भल्ला, डॉक्टर एम रामचंद्रन या राजीव गौबा. द वाइस प्रेसिडेंट हैज लॉन्च द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर एंड हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर. इस बुक के रचयिता कौन है, इस बुक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है. प्रमोद कुमार मिश्रा, अजय कुमार भल्ला, एम रामचंद्रन या फिर राजीव गौबा. ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई. बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर एम रामचंद्रन जो हैं, ये इसके ऑथर हैं. इसको ऑथर किया गया है एम रामचंद्रन, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और ये उनकी 10th बुक है. और ये बुक स्पेशली फोकस कर रहा है गवर्नमेंट गवर्नेंस इशू के बारे में, ठीक है ना, गवर्नमेंट. और रामचंद्रन जो है, He was a 1972 batch UP cadre IAS officer who served for 38 years before retiring in 2009. He served in the various positions including DM and collector of Rai Bareli. He was the chief secretary of Uttarakhand and also the secretary in the Ministry of Urban Development Government of India. Isko dhyan rakhna, bilkul sahi kaha, former secretary. Who authored the dialogue book My Experiments with Silence? Ye jo वार्तालाप पुस्तक या डायलॉग बुक है, इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस. इस पुस्तक के रचयिता कौन है? कीर्ति नागपुरे, समीर सोनी, सीमा सचदेव खान या नन ऑफ दीज, ये पूछा गया. हु ऑथर्ड द डायलॉग बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस. माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस जो बुक है, इसके ऑथर कौन है? कीर्ति नागपुरे, समीर सोनी, सीमा सचदेव खान और none of these. तो आप क्या बताओगे? समीर सोनी. सोनी's book aims to be a personal account of his dialogues with himself during his growing up years in Delhi. यानी कि ये जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, ये कहीं ना कहीं लोग, ये मिस्टर सोनी जो समीर सोनी है, इनके जब ये अपने लाइफ में ग्रो कर रहे थे दिल्ली में रह करके, तो इनके खुद से पूछे गए जो प्रश्न थे, जो अंतरात्मा का प्रश्न था, जो इनर कंसाइंस के जो क्वेश्चंस थे, उसको जो इन्होंने हल किया है, उनको जो जवाब दिया है, उस कन्वर्सेशन के ऊपर बुक है ये, ठीक है ना. इट्स द डायलॉग विद हिमसेल्फ, ये ध्यान रखना है. व्हाट इज द सेंट्रिक कंसर्न ऑफ द बुक नेम्स ऑफ द वुमेन बाय जीत थाइल. जीत थाइल की एक पुस्तक है नेम्स ऑफ द वुमेन. इसका केंद्र क्या है? रोमांस, ट्रेजेडी, मिस्ट्री या फेमिनिज्म. जो जीत थाइल हैं, इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है नेम्स ऑफ द वुमेन. इट्स अ बुक बाय जीत थाइल, नेम्स ऑफ द वुमेन. दिस इज अ बुक विच इज कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स. इट इज अबाउट द रोमांस, इट्स अबाउट द ट्रेजेडी, इट्स अबाउट द मिस्ट्री, इट्स अबाउट द फेमिनिज्म. नेम्स ऑफ द वुमेन, नेम्स ऑफ द वुमेन. दिस इज a book which is centered or concerned about which of the following?
तो आप क्या बताओगे? इट्स अबाउट द फेमिनिज्म. किसके अबाउट है? फेमिनिज्म. इट्स अ फेमिनिस्ट रीटेलिंग ऑफ द न्यू टेस्टामेंट एंड इज नैरेटेड थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ द लेशर नोन ऑर सप्रेस्ड वुमेन फ्रॉम द गॉस्पल्स. यानी कि वो महिलाएं जो कि बहुत ज्यादा समाज में प्रताड़ित हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू समाज को एजुकेट करने की कोशिश की गई है इस बुक के द्वारा. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन और सिविलाइजेशन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन. इस बुक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, किरण देसाई, नमित अरोरा या फिर विक्रम सेठ. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन. ये पूछा गया आपसे. आप क्या बताओगे? इट्स द नमित अरोरा. इसके ऑथर कौन है तो आप क्या बताओगे? नमित अरोरा. ही हैज एक्सप्लोर्ड हाउ इंडियंस लिव्ड, एट, लव्ड, बिल्ट, फॉट एंड मेड सेंस ऑफ द मटेरियल, रेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड डाउन द एजेस. यानी कि कुछ इस पर्टिकुलर नमित अरोरा का जो ये बुक है, ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है भारतीयों के उस जीवन को, भारतीयों के जीवन शैली को, उनके खान पान को, ठीक है ना, उनके लोगों के प्रति प्यार को, उन्होंने कैसे इस पूरे सिविलाइजेशन को बनाया है, ठीक है ना, कैसे उन्होंने रैशनलाइज किया है, कैसे स्पिरिचुअल चीजों को उन्होंने डेवलप किया है, ठीक है ना. इसमें जो चैप्टर्स हैं वो 6 प्लेसेस के ऊपर है इंडिया में. धोलावीरा, नागार्जुना कोंडा, नालंदा, खजुराहो, हम्पी और वाराणसी. ये जो हिस्टोरिकल सिटीज हैं इनके ऊपर बेसिकली चैप्टर्स को डिजाइन किया गया है. साथ ही साथ 5 चैप्टर्स इस बुक में जो हैं वो रखे गए हैं किसके ऊपर, तो आप बताओगे, ट्रेवलर, दार्शनिकों के ऊपर, मेगास्थनीज, फायान, जुएनजांग, ईजिंग, एल्बरूनी, मार्को पोलो और फ्रेंकोइश और बर्मियर. तो ये जो दार्शनिक आए भारत में, इनका क्या एक्सपीरियंस था इंडिया के लोगों के प्रति, इंडियन हिस्ट्री को लेकर के, इसके लिए भी इसमें, इसके अंदर क्या किया गया है तो आप बताओगे, स्टोरीज को नैरेट की गई है, ठीक है ना. इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है. हु इज और आर द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम इंक्रीमेंटल टू एक्सपोनेंशियल. एक बुक है फ्रॉम इंक्रीमेंटल टू एक्सपोनेंशियल. इस बुक के लेखक कौन है ये पूछा गया है. इंक्रीमेंटल टू एक्सपोनेंशियल, विवेक वाधवा, इस्माइल आमला, एलेक्स साकेबर या ऑल ऑफ देम, ये पूछा गया है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, हु इज और आर द ऑथर ऑफ द फ्रॉम इंक्रीमेंटल टू एक्सपेरिमेंटल. इंक्रीमेंटल टू एक्सपोनेंशियल, इस बुक के लेखक कौन है तो आप क्या बताओगे? इन सभी ने मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है. वी सी बिग लेगेसी बिजनेसेस गेटिंग बीटन टू द पंच बाय एनर्जेटिक लिटिल स्टार्टअप्स. इट सीम्स लाइक इनोवेशन कैन कम फ्रॉम ओनली टू द बॉटम अप और फ्रॉम द आउटसाइड. मतलब ये कहा गया है कि बिजनेस लेगेसी में एक चीज देखा गया है कि हमेशा उन लोगों ने इतिहास बनाया है, ठीक है ना, जो या तो सोसाइटी के सबसे बॉटम रैंक से आए हैं, ठीक है ना, बहुत नीचे स्तर से आए, और जिन्होंने अपने टैलेंट के बदौलत, अपनी क्रिएटिविटी के बदौलत, अपने इनोवेशन के बदौलत, अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के कारण, ठीक है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ा है, ठीक है ना. और इसमें कहा गया है कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन की लेगेसी है उसको जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो हैं वो पीछे छोड़ जाते हैं, यदि उस स्टार्टअप्स को चलाने वाला व्यक्ति एनर्जेटिक हो, उसके अंदर वो स्पार्क हो, उसके अंदर वो डेडिकेशन हो, उसके अंदर वो क्षमता हो, ठीक है ना. तो ये कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप एक बिजनेस फैमिली से आते हो तभी आप एक एस्टैब्लिश बिजनेसमैन बन सकते हो, ठीक है ना. आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए, कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं जो आपका इनर कंसाइंस है, आपकी जो इनर थॉट्स हैं, ठीक है ना, आपका जो सेल्फ अक्लेमेशन है वो आपको क्या करे, इंसाइट करे, ठीक है ना. तो जो सेल्फ इंसाइटेशन है वो कहीं ना कहीं इंसान को उस मंजिल को भी पाने में मजबूर कर देती है जिसके लिए इंसान थपेरों खा करके भी गिर जाता है, ठीक है. तो ये जो कहा जाता है ना कि ही डेट इज डाउन नीड्स नियर नो फॉल, ठीक है ना. इसलिए हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, तभी जाकर के हम सफलता को चूम सकते हैं. 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम, बुक ऑफ विनोद कापरी इज द अकाउंट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स जर्नी ऑन रोड ऑफ इट स्टेट. अभी पेंडेमिक में जो माइग्रेंट लेबर्स की कहानी है उसको दर्शाया गया है इस बुक में. 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम,
बुक ऑफ विनोद कापरी, इट इज द अकाउंट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स जर्नी ऑन रोड ऑफ विच स्टेट, राजस्थान स्टेट, बिहार स्टेट, यूपी स्टेट या एमपी, 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम, बुक ऑफ विनोद कापरी इज द अकाउंट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स जर्नी ऑन रोड ऑफ विच स्टेट, किस राज्य के माइग्रेंट लेबर्स की कहानी है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम ऑफ विनोद कापरी, क्या बताओगे, इट्स ऑफ द माइग्रेंट लेबर्स ऑफ बिहार, इसको ध्यान रखना है। वाइल्ड एंड विलफुल, द टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज इज रिटन बाय, वाइल्ड एंड विलफुल विच इज द टेल स्टोरी ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज, इट इज रिटन बाय नेहा सिन्हा, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय या झुंपा लाहिरी। वाइल्ड एंड विलफुल, दिस बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। Wild and Willful, The Tale of 15 Iconic Indian Species is written by which of the following? तो आप क्या बताओगे? It's by Neha Sinha, ठीक है ना? Wildlife conservationist Neha Sinha has written the book Wild and Willful, in which she has given the chronicle tales of 15 Indian iconic species which are in need of conservation. यानी कि भारत के उन 15 iconic प्रजातियों के बारे में इसमें कहानी लिखी गई है Wild and Willful में, जो कि जिनको की संरक्षण की आवश्यकता है यदि हमें इन्हें इनडेंजर्ड होने से क्या करना है, बचाना है या एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। इसको लिखा है ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट नेहा सिन्हा ने। द बुक नेम प्लेस एनिमल थिंग्स, नेम प्लेस एनिमल थिंग्स इज रिटन थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ गर्ल, बॉय, एलियन या नन ऑफ दीज। ये जो बुक है नेम प्लेस एनिमल थिंग्स, इसको जो लिखा गया है इसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को लिखा गया है ये पूछा गया है। एक गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इनमें से किसी के भी नहीं, ठीक है ना? द बुक नेम प्लेस एनिमल थिंग्स ये पूछा गया है। नेम प्लेस एनिमल थिंग्स, नेम प्लेस एनिमल थिंग्स, तो आप क्या बताओगे? गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिंडम्स डेब्यू नॉवेल इज अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ अ यंग खासी गर्ल, खासी कहां पे है? मेघालय में, रेफर्ड टू एज डी इन शिलोंग ड्यूरिंग द अर्ली 2000। डी ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ द इंट्रीकेसीज ऑफ रेस, क्लास, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन। मेघालय के खासी गर्ल की कहानी है इसमें, ठीक है ना, जो कि उस क्षेत्र में जो प्रेवलेंट रेसिज्म है, कास्टिज्म है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, उसको किस तरीके से वो ओवरकम करके और अपने एस्पायरिंग बॉयफ्रेंड के साथ वो अपने आप को सेटल करेगी, उसके ऊपर इस स्टोरी को क्या किया गया है, नरेट किया गया है। हु इज और आर द ऑथर ऑफ द बुक बैटल रेडी फॉर द 21st सेंचुरी, बैटल रेडी फॉर द 21st सेंचुरी हैज बीन ऑथर्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह, ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। ऑथर ऑफ द बुक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, बैटल रेडी फॉर द 21st सेंचुरी के लेखक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह, ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। हु इज और आर द ऑथर ऑफ द बुक बैटल रेडी फॉर द 21st सेंचुरी, प्लीज गो फॉर द आंसर। इस पुस्तक को दोनों ने मिलकर लिखा है, लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स द सी ऑप्शन। तो दोस्तों FCAT 2 2021 के लिए ऑनलाइन बेंचेस बाय एग्जामपुर के YT चैनल पे 30 डेज का फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। आप लोग प्लीज उस सेशन को अटेंड कीजिए। मॉर्निंग 8 डेली करंट अफेयर्स ये मैं लेता हूँ, 9 AM डेली वोकैबुलरी नितिन मिश्रा सर, 12 PM इंग्लिश नितिन मिश्रा सर, 1 PM GKGS इट इज टेकन बाय मी, 5 PM रीजनिंग एबिलिटी विद सोनल मैम एंड 6 PM मैथ्स विद दीपेंद्र सिंह सर, ठीक है ना? सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटेंड ऑल दीज सेशंस। कल सुबह मुलाकात होगी सुबह 8 बजे मेरे साथ एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। सब्बा खैर, बाय बाय एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल एंड टेक केयर।